परेशानी दूर होती है। मेरी जिंदगी का एक वाकया है,
मिला, अपने यहाँ के चेयरमैन है, डॉक्टर है, इंतजार है, इनका नाम है और के अंदर लड़ौरा एक बस्ती है उसके अंदर, उनके यहाँ एक शख्स बीमार हुआ, हालांकि वो खुद डॉक्टर थे, उनके भाई बीमार हुए, उन्होंने पूरे हॉस्पिटल में उनको दिखाया, उनको उनका इलाज ही नहीं हुआ। जहां भी वो बीमारी बढ़ती गई तो उनकी पहले थोड़ी आवाज कम हुई, फिर मुकम्मल आवाज बंद हो गई, पूरी की पूरी सेहत खराब हो गई। अब वो खाली एक डेढ़ घोड़ी की तरह अगर आपका सांस आ रहा है, हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया, हम इसका इलाज नहीं कर सकते। अच्छा मां तो मां होगी, अब मां ने कहा अपने बच्चे को लेकर दरगाह पर गई, सब जगह गई, यहाँ गई, वहां गई, मस्जिद गई, सब जगह गई, लेकिन बच्चे को सुकून नहीं मिला। उसको किसी ने कहा उसकी यहाँ कोई आयादत के लिए कोई सही पा गई, करें कपड़े पहने हो, उसने अदबर उसको पान पेश किया, पान खा लीजिए हम करें, ऐसा ऐसा चल रहा है पान नहीं खाऊंगी, वाह उस गरीबा ने कहा। हत्या की वो मोमिना नहीं थी, सिर्फ इमाम हुसैन की अजादार थी, इमाम को हुसैन मानती थी, इमाम मानती थी, इसके अलावा उसके पास कोई बात नहीं थी। उसने जब कहा कि मोहर्रम चले तो मोहर्रम चले गए, जब आशूर का दिन हो गया, नहीं हम मोहर्रम हमेशा जिस दिन भी इमाम या इमाम के घराने की किसी बच्चे की इसकी शहादत होती है, हम उस दिन भी अपने आप को अजादार महसूस करते हैं, हमारे सलाम और साथियों के ऊपर। मेरे इमाम ने कहा कुल्लु अर्बिन करबला कुल्लु यौमिन आशुरा, शुक्र मेरे इमाम ने, इन करबला ये जहां साहिबों के अंदर बैठे, ये जमीन करबला ही है, आज हम सफर में बैठे, आज भी आशूर का दिन है, इसलिए इमाम फरमाते हैं कि तुम कभी भी अपने आप को ना आशूर से जुदा करना ना करबला से जुदा करना, अगर अपने आप को करबला और आशूर से जुदा कर लिया फिर जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं। अब वो खातून पूरी गुफ्तगू करती है, कहती है तुम लगता है कि तुम शायद वो हो गए, कहते मैं वो नहीं हुई हूँ, वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन कैसे तुम ये बातें क्यों कर रही हो, क्या तुमको मालूम है मेरे यहाँ कैंसर हो गया था, मेरे पेट में इलाज कराए, मुझे सुकून नहीं मिला, लेकिन जिस वक्त मैंने उस इमाम बारगाह के सामने से गुजरी, उनके मौलाना उसके जुमले उनके मौलाना अपनी तकरीर कर रहे थे, वहां पर उन्होंने कहा कि जिसको कहीं पर शिफा न मिलती हो वो दरे अब्बास पर आज उसको शिफा मिलेगी। मैंने ये जुमला सुना, अंदर जाने की ताकत तो ना हुई, एक आहट के दरमियान में खड़ी होकर के वही झुकियों पर बैठ गई, और जब वो लोग रोना शुरू हुआ तो मैंने कहा कि परवरदिगार मैं नहीं जानती अब्बास कौन है, मैं नहीं जानती दरे अब्बास क्या है, लेकिन मैं इन रोने वालों के सदके में, उनके कहने वालों के सदके में, जिस अब्बास को ये मानते हैं उस अब्बास के सदके में मुझे शिफा दे दे, मैं अपने वहां से उठी नहीं थी कि मेरे यहाँ का दर्द गायब होना शुरू हो गया। बेटा पिता, अब वो मां जो सुने जिसका बेटा बीमार था, उसने कहा हकीकत में क्या हकीकत में, अब उसने कहा कि जब वहां जिक्र होगा अब्बास का हमको बताना, हम चलेंगे वहां, हम वहां पर चलेंगे। अल्लाह के मोहतरम 50 मजलिसें सुनना मारफत के लिए वाजिब नहीं है, 50 मजलिसें 50 किताबें पढ़ना मारफत के लिए जरूरी नहीं है, अगर हमको जरूरत है और हकीकत में जरूरत होनी चाहिए, हम मारफत सिर्फ एक कोर से मारफत हासिल कर सकते हैं, एक कोर से मारफत। अब ये खातून है, माँ की ममता जागी और जागने के बाद इसने अपने बेटे का इंतजार कर ये तहियत इरादा किया कि जब वो लोग रोएंगे उनकी मजलिस होगी मैं अपने बेटे को लेकर के जाऊंगी। एक दिन आया, 25 मुहर्रम गुजर चुका था, उसके बाद उसने इंतजार किया कब रोएंगे, तो वो गरीब लोग वहां पे मोमिन बहुत गरीब थे, चंद घर पे वो लोग उधर से रोशनी की तरफ आए थे, वो चंद लोग थे। अब ये खातून ने इंतजार किया, इसको मालूम हुआ कि हाँ आज इनके यहाँ पे मजलिस है, आज ये लोग रोएंगे, वो अपने बेटे अपने दूसरे बेटों से कहा कि मैं ये चाहती हूँ मेरे इस बेटे की चारपाई को बच्चे को उठाओ और इस बच्चे को ले जाकर के जो है वहां उनके यहाँ ले जाकर के रख दीजिए। अब वो तो डॉक्टर थे, वो तो पागल हो गई हो, लेकिन माँ की ममता थी, कहा जिसको डॉक्टर ने इनकार कर दिया, जिसका हॉस्पिटल से इनकार कर दिया, इसको मस्जिद और मदरसों से क्या होगा। माँ रोकर नहीं कहती, बेटा अगर तू ये कहे कि मैं तेरे हाथ आ तेरे सामने हाथ जोड़ू, तेरे पैर पकड़ू और तू तब मेरे बेटे को
आत्मा लेकर के जाए, तुझे मेरे दूध का वास्ता, मेरे इस बेटे को वहां तक ले जाकर के छोड़ दे। मुझे उम्मीद है जो अब्बास कैंसर को खत्म कर सकता है, मेरे बेटे को जिंदगी दे सकता है। अनिता ने मोहतरम औरत अपने बच्चे को अपने बच्चों से कहा, उसके बच्चों ने उसकी बात को ना माना। जब उसकी बात उसके बेटों ने नहीं सुना तो वो महल के बच्चों को लेकर के आती है और उस बच्चे की अपने बच्चा चापल उठवा करके वहां लेकर के जाती है और ले जाने के बाद जिस वक्त वो वहां पहुंचती है तो मसाइब हो रहे थे, मजलिस तमाम हो चुकी थी। वो वहां पर पहुंचती, उसको तो मसाइब का इल्म नहीं था, उसको फजाइल का इल्म नहीं था। जब वो वहां पहुंची, वहां तक जाते जाते मजलिस तमाम हो चुकी, मौलाना ने कहा कि मातम हुसैन पब्लिक खड़े हुई, उसको कुछ ना दिखा। उसने देखा कि बच्ची ये लोग जो खड़े हैं सीने के ऊपर हाथ मार रही है, तो वो माँ एक हाथ से अपने सीने पर हाथ मारती है, दूसरा हाथ अपने बेटे का उस बीमार मर्द मुर्दे का हाथ उठाकर उसके सीने पर मारती है। उसकी तो दिल की रगे बंद हो चुकी थी, उसका तो कलम बंद हो चुका था। जब अब्बास के नाम का हाथ उसके कलम पर पड़ा, जैसे उसकी माँ हाथ मारती जाती थी, उस बच्चे के अंदर जिंदगी आती जाती थी। एक वक्त वो हुआ कि इधर मादम पूरा हुआ, उधर उस बच्चे ने एक लंबा सांस लिया और वो मौत फौरन सदमे में गिर गई। कहा कि अब्बास तेरा एहसान है, तूने मेरे बच्चे को जिंदगी अता की है। अलीदार मोहतरम 50 मंजिल से सुनना मार्फत के लिए जरूर नहीं है, एक जुमला मार्फत की मंजिल तक पहुंचा सकता है। रूह से पढ़ा मौला मोहम्मद पहचान लिया, आपसी तजाद को खत्म कर दिया। खुदा की कसम, जो तमन्नाएं हम यहां पर लेकर आएंगे, हम यहां से उठेंगे नहीं, हमारी तमन्नाएं मकबूल होगी, हमारी दुआएं मकबूल होगी, लेकिन तकलीफ के साथ आएगी। अभी हमारे इमामदार जगह खराब आती है, जगह आती है, हमारे मुजबान वहां बैठे हैं। पूछो, हम सबसे बड़े इज्जतदार हैं, हमसे बड़ा कोई इज्जतदार नहीं है, हमारे घंटे से आगे बैठे हैं भैया। इबादत का कानून यह है कि जब इबादत शुरू हो जाए तो पहले पहली सब पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद पिछले सवालों का जवाब मिलता है। आप कहां हैं? आप कहां हैं? हमारी अज़ादारी वो अज़ादारी जिसने हमको नमाज पढ़ना सिखाया, हमारी अज़ादारी वो अज़ादारी है जिसने हमको इंसान बनाया, हमारी अज़ादारी वो अज़ादारी है जिसने हमको रोजा रखना बताया। हमने अक्सर देखा है, बच्चों के लिए मिसाल दे रहा हूँ, वो बच्चे हमेशा कामयाब होते हैं, वो लड़के वो स्टूडेंट हमेशा कामयाब होते हैं जो जितना गले पोड़ के करीब बैठते हैं, जितना करीब बैठते हैं उनको कामयाबी मिलती है। मैं इसका मुमकिन नहीं हूँ कि जहां तक आवाज जा रही है वहां उसको नहीं मिलेगा। मेरा अकीदा तो यह है, मेरा एतमाद तो यह है कि अल्लामा जिन्होंने तफसीर काज़ी लिखी है, उन्होंने भी लिखा और दिगर उलमा ने इस बात को लिखा है कि जहां पर मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र होता है वो आवाज जहां तक जाती है, जब जिक्र करने वाला जिक्र सुनने वाला दुनिया से चला जाता है तो जमीन वो दीवार वो पेड़ वो पौधे उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। ये वो मंजिल है और अल्लाह के मोहतरम हमने इसको कबूल किया, इसमें मेरा कमाल नहीं है। बहुत सारे मुमकिन मुझे कहते हैं आप अंधेरा छोड़ के रोशनी की तरफ कैसे, वो अपनी जुबान में कह रहे हैं, अपनी जुबान में कह रहा हूं, आपने अंधेरा कैसे छोड़ा, रोशनी की तरफ कैसे आए, कितने दिन हो गए आपको आए हुए। अरे भैया यहां आकर कोई रोशनी की तरफ नहीं आता। कुरान पढ़िए, कुरान में अल्लाह ने वादा लिया है, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। जिसने उस रब के साथ साथ अल्लाह की रबूबियत और मोहम्मद मुस्तफा की नबूवत के साथ साथ जिसने अलीयुल वलीउल्लाह की विलायत का इकरार किया हो, कोई दुनिया में आकर के मोमिन होता है? यहां आकर कोई मोमिन नहीं होता, उसके मफाज में वहां हो चुके होते हैं। अल्लाह के मोहतरम, हम जब भी उठे जब भी बैठे जितना हो सकता है मजलिसों में जाए महफिलों में जाए अपने वालिदैन को हमेशा दुआ दें। मेरा कमाल नहीं फर्शे साहब पर बैठना, ये मेरे वालिदैन की दुआओं का उनका कमाल है कि आज जुमा से नमाज आपको मजलिस सुनाने नहीं आया, मैं आपको मजलिस में कुछ बताने नहीं आया,
खुदा की कसम जो मैंने इन चार पांच सालों में कुछ देखा है, हमारे यहाँ जो नींद आ गई है, जो भूख आ गई है, आपको उसे जगाने के लिए आया हूँ। खुदा की कसम, इस आजादारी को तमाम दुश्मनों ने कलमा पढ़ने वालों को खरीदा, नमाज पढ़ने वालों को खरीदा, कुरान पढ़ने वालों को खरीदा, लेकिन अगर कोई न खरीदा जा सका, वो इस फर्श पर बैठने वाला भी नहीं खरीदा जा सका। वजह क्या है? वजह क्या है? इसकी वजह यह है, हम बुखारी से पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है, हमें कौन सा लुत्फ आता है यहाँ बैठकर, हमको कौन सी निजा मिलती है यहाँ बैठकर। आइए चलते हैं उम्र मुस्लिमीन से पूछते हैं कि हमारे आका ने इसके बारे में क्या कहा। उम्र मुस्लिमीन रिवायत करती बुखारी के अंदर कि हम जब तक अली ने खैबर को फतह नहीं किया था, हम दो वक्त पेट भर के रोटी नहीं खा सकते थे। हम दो वक्त पेट भर कर रोटी नहीं खा सकते थे। अब आप बताइए, जो अली को कभी कभी याद करते हो, उनको दो वक्त की रोटी ना मिलती हो, हम तो उठते हैं तो अली, पहनते हैं तो अली, सोते हैं तो अली। दुनिया के पेट में दारू होता है कि जब हम अली अली करने वालों को देखते हैं तो इनके पास इल्म भी बहुत होता है, अमल भी बहुत होता है, दौलत भी बहुत होती है, इज्जत भी बहुत होती है। अमल तुम्हें ये इज्जत दौलत तुम्हें कैसे मिल सकती है? तुमने अपना ताल्लुक बाबे जहल से जोड़ा है, हमने अपना ताल्लुक बाबे हमारी दौलत का असल जो कनेक्शन है, हमने दुनिया के ये छोटे छोटे ट्रांसफार्मर से अपना ताल्लुक नहीं जोड़ा है, हमने डायरेक्ट पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ा है। हमारे यहाँ कोई बीच में फुर्ती नहीं डालता तुम्हारे की तरह, हमने डायरेक्ट कनेक्शन लिया है अपने वाला से, मासूमियत से जोड़ा है। तुम कहते हो कि वहां जाने वाला कभी कोई भाई नहीं सकता, कभी बिगड़ नहीं सकता। अरे बिगड़े वो जिनकी शक्लें बिगड़ी हुई हो, बिगड़े वो जिनके रहबर बिगड़े हुए हो। अगर देखना है हमारे रहबरों के करीब आइए, हमारे रहबरों के करीब आकर के बिगड़े हुए शक्ल वाले अच्छी शक्ल लेकर के जाते हैं, मुर्दे आते तो जिंदा होकर के जाते हैं। आज बड़ा शरीर के ऊपर चर्चा होता है, बहुत चर्चा होता है कि पैगंबर कह करके गए, मैं तुमको दो चीज देकर के जा रहा हूँ, एक कुरान देकर जा रहा हूँ, एक अहले बैत देकर के जा रहा हूँ। इनको मजबूती से थाम रखना, तुम कभी घुमरा ना होगे। अगर मोहतरम हम अपने सीने के ऊपर हाथ रखे, मेरे पास कुरान कितना है, मेरे पास अहले बैत कितने हैं, मेरे नौजवानों के बुजुर्गों के लिए, नौजवान सोचे, नौजवान सोचे, अगर कोई गैर हमसे ये पूछ ले जिस मौला की तुम अकीदत में इतने झूमते हो, बताइए उस मौला अली की कितनी बहनें थी, माफ करना कितनी बहनें थी, इमाम हसन की कितनी बेटियां थी, इमाम हुसैन की कितनी औलाद थी, इमाम जलालुद्दीन की कितनी औलाद थी। ये कभी हमारे यहाँ क्यों आ रही है, हमारी नई जनरेशन इससे हट क्यों रही है? उसकी वजह ये है कि आज हमने पूरा दीन अपने व्हाट्सएप और फेसबुक से लेना पसंद कर लिया है। हम उलमा को सुनना पसंद नहीं करते, मजलिसों में आते हैं तो मोबाइल की रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, मौलाना जाएंगे तो हम सुन लेंगे। अरे जब तुम फेस टू फेस नहीं सुन सकते तो हमारे जाने के बाद क्या खास सुनोगे? तुम मेरे मतलब मजा रहे हो, कड़वाहट है, बर्दाश्त कीजिए। मैं फजाइल भी पढ़ना जानता हूँ, शायद कुछ लोग पिछली मजलिस के उनवान से आए हो, फजाइल पे कितने भी पढ़ाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी सारी जिम्मेदारी है ये हम जिस चीज को देखे उसके ऊपर भी बोले। अगर आप यहाँ 100 लोग बैठे हैं और कुछ पढ़ते में हमारी भाई बहने बैठी होंगी, अगर हम लोग यहाँ पर मिलाकर 100-150 लोग बैठे हैं तो एक घंटे की मजलिस नहीं होती, बल्कि 150 घंटों की मजलिस होती है। मुझे उसका जवाब देना है, आपको एक घंटे का जवाब देना है। इमाम की पेशनवाज की बड़ी जिम्मेदारी होती है, मुक्तदी की जिम्मेदारी नहीं होती है। आप मसाइल उठा करके देखिए, अगर मोहतरम अगर आपने मुझे चुन के यहाँ बिठाया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको वो सारी चीजें दूं जिसको जिसकी कमी में महसूस कर रहा हूँ। अगर मैंने वो नहीं किया तो फिर मैंने मजलिस का हक अदा नहीं किया, मेरी मजलिस का हक अदा नहीं किया, शायद आपके लिए हो गया हो। अगर मोहतरम आज हमको जरूरत है बेदारी की, आज हमको जरूरत है जब हम मातम कर रहे हैं तो हमारे पास इस बात को हो, दलाइल तो हो, हम मातम क्यों कर रहे हैं? बस इस घर में आए थे, बाबा को देखा मातम करते हैं, हम भी मातम कर रहे हैं, हम भी मातम कर रहे हैं,
तो फिर तो कसूरवार नहीं होंगे जिन्होंने मातम करते हुए किसी को देखा नहीं उस घर में आ गए। बताओ उनको कि मातम इसलिए नहीं करते कि ये रस्म है, बल्कि मातम इसलिए करते हैं कि इससे हमको जिंदगी मिलती है, दवाई मिलती है। कैसे दवाई मिलती है, कैसे जिंदगी मिलती है? दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे को अपने सामने, अपनी औलाद को अपने सामने, अपने लाडले को अपने सामने कांटा छुपाना पसंद करती हो। हत्ता कि डॉक्टर के पास जाती है, बच्चा बीमार है, माँ को पता है, बाप को पता है, भाई को पता है, भाई को पता है कि मेरा भाई बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, इसको इंजेक्शन लगेगा। हम डॉक्टर से ये कहते हैं हमारे भाई को, हमारे बेटे को, हमारे बच्चे को बारीक सुई लगाना जिससे कि उसको तकलीफ ना हो। मेरे करोड़ों सलाम आप तमाम मोमिनों को। मुहर्रम आता है, हमारी माँ कहती है पहले लो ब्रेड तैयार कीजिए, अंजीर तैयार कीजिए। कोई कौम है इस दुनिया के अंदर, अगर कोई है तो वो मैं और आप है, और वो सीधा इस पर से लाल माता के लिए, किसी भी चीज की हिफाजत के लिए आर्मी की जरूरत होती है, रहनुमाओं की जरूरत होती है, और हमारे पास दो ऐसी आर्मी है, एक उसूल दीन और एक फुरू दीन, किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है हमारे अलावा। चाहे आप तहकीक कीजिए, स्टडी कीजिए, किसी को तो पता ही नहीं उसूल दीन होते क्या है। जिसको उसूल दीन का नहीं पता, फुरू दीन क्या बताएगा? लेकिन अगर हमारे पास है खुदा के लिए, ये जबानी ना रहे, ये जबानी ना रहे। मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे कहा, क्योंकि मैंने ये जो रिवायत आपके सामने पढ़ी अपने उस्ताद को, मैंने कहा कि इसके बारे में आप क्या कहें, वो कहने लगे कि ये रिवायत है और लेकिन असल रिवायत ये है कि पैगंबर ने हमको दो चीजें दी हैं, एक कुरान और एक सुन्नत। आज भी हमारे प्रधान इसको कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात दुरुस्त, कुरान और सुन्नत दोनों चीजें मैं मान लेता हूँ, ये है बेकार नहीं लगता। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि सुन्नत का मीनिंग क्या है, सुन्नत की जो तर्जमा है वो क्या है? तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नत का तर्जमा है आदत। मैं तो मैं कर रहा हूँ क्या आदत, आप लोग ने मुझे, कुछ लोगों ने पहली दफा देखा, अगर कोई शख्स आगे आपसे पूछे मोहम्मद अब्बास साहब ने खाने का तरीका क्या है, उनकी खाने की आदत क्या है, मिस्र भाई के अलावा और मौलाना साहब के अलावा शायद यहाँ कोई और नहीं बुलाएगा जितना मिस्र भाई ने मेरे साथ खाना खाया है। मैंने उनसे ये कहा, उनके बेटे का नाम जुनैद है, मैंने कहा था मुझे आपकी कुछ आदतें घर की मालूम करनी है, तो मैं किससे मालूम करूँगा? आपका आपकी बीवी के साथ क्या सलूक है, आपका आपके बच्चों के साथ क्या सलूक है, आप घर में जब खाना खाते हो तो आपकी खाने की आदत क्या है, आप लोग उठने में मोड़ के खाते हैं या पलटी मार के खाते हैं, आप सोते किस तरह है, आप कहाँ रखते हैं, ये मुझे मालूम करना है, किससे पूछूं, किससे मालूम करूं, आप किस हाल में हैं, आपसे मालूम करूं? बोले नहीं, अच्छा कौन बताएगा? मैंने कहा मैं भी आपके साथ रहा हूँ 33 साल, आपकी दस्त में रहा हूँ, आपसे दस्त लिए, मुझको भी नहीं मालूम। जब दस्त लेने वालों को कुछ मालूम नहीं कि आप सोते किस तरह है, खाते किस तरह है, तो जिन्होंने दस्त ली ही नहीं है, कल आए थे आज दावा कर दिया, वो क्या बताएं रसूल के लिए, क्या बताएंगे लोग कि नहीं ये नहीं, वो फौरन पढ़ते कि नहीं सुन्नत कुरान और सुन्नत नहीं, कुरान और हदीस है, हम तो हदीसों के भी मानने वाले हैं, इनकार थोड़ी करते हैं, कब सुन्नतों के भी मानने वाले हैं, इनकार नहीं करते। हदीस किसको कहते हैं? यही तो कमी है तुम लोगों में, उसको बोलो, यही तो कमी है तुम लोगों के अंदर, अगर यहाँ तो जमा नहीं है, कहाँ बैठता हूँ, तो पूरी कौम के अंदर यही कमी है, जुबान बहुत लड़ाते हो, हम जुबान बुरा नहीं लड़ाते, अगर तुम हमको बुरा कहते हो तो हम उस बुराई को जानना चाहते हैं कि बुराई आखिर है क्या, बुराई को बताइए तो ये कमी है। कल जब तुम आते थे तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे, आज तुम जुबान राजी करते हो, मन का ये सिला किताबों का नहीं है, किताबें कल मैंने आपके पास भी पढ़ी थी, मेरे माइंड की जो पत्ती है ना कल तक वो टूटे फूटे ट्रांसफार्मर से जुड़ी हुई थी, पूरी लाइट नहीं मिल रही थी, आज मैंने 24,000 की लाइट से कनेक्शन जो
काम किया है, काश वो काम तुम
यजीद की जुल्म और यजीद के बाप दादा के जुल्म पे कर लेते तो शायद तुम पर काले नजर आते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्होंने मुझे कहा कि तुम गुनहगार हो, तुम जो है फासिक हो, फाजिर हो, पर मैं कुछ भी हूं, ये मैं नहीं हूं, बल्कि इमाम मिसाई ने कहा है, इमाम मालिक ने कहा है कि अगर अली की मोहब्बत का नाम रास है, अली की मोहब्बत का नाम कुफ्र है, तो मैं अपने आप को काफिर कहलाना पसंद करूंगा, अली की मोहब्बत नहीं छोड़ूंगा। हमको क्या मिलता है आपकी कहने से? ना हमको आपसे जन्नत लेनी है, ना आज हमको जो इबादत कर रहे हो उसका अजर लेना है। हमको जन्नत लेनी है तो अली के बेटों से, पुल सिरात पार करना है तो अली के इशारे से, चाय में कोसर पीना है तो अली से, ना हमने आपसे कुछ लेना, ना आप वालों से कुछ लेना, आप कुछ भी कहिए, हमको अली अपना कह दे तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। हमको तुम्हारे कहने की परवाह नहीं है, तुम क्या हो इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि हम जो भी अमल अंजाम देते हैं वो बंदों को दिखाने के लिए नहीं देते, बल्कि परवरदिगार और मासूमीन को गवाह बना करके हम अमल अंजाम देते हैं। अब वो गुफ्तगू बड़ी और बढ़ने के बाद करके तीन कुरान तीसरा कुरान तैयार हुआ है और एक कुरान और भी था, वो जो मौला कायनात के पास था, मौला कायनात के पास भी एक कुरान था, बोले वो तो मैं आपसे कहलवाना चाहता हूँ, ठीक मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने ये अब तक किसी शिया को तो नहीं पढ़ा, बल्कि अपनी और आपकी किताबों में पढ़ा है, अपनी और अपनी किताबों में, अपने अंदर किताबों में पढ़ा है। आप बताइए वो कौन सा कुरान था जिसके बारे में तारीख और हदीस बताती है कि मौलाए मुत्तकियान एक कदम अपने घोड़े के इस तरह रखते थे, जब दूसरा कदम रखते तो कुरान मुकम्मल हो जाया करता था। बताइए वो कुरान अली कौन सा पढ़ते थे, कौन सा पढ़ो? कहा भैया मैं आपसे बहस नहीं करना, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, हजरत मैं काफिर हूँ, मैं गलत हूँ, मैं विलायत अली को मानकर गलत हो गया हूँ, मैं आपसे सच्चा रास्ता जानने के लिए आया हूँ, आपका फरीजा बनता आप जानते तो मुझे बताइए सच्चा रास्ता है कौन? क्या बताइए इस कुरान पर अकीदा है कि नहीं है? मैं कुरान उठा के लाइए मेरे सर पर रखिए और तब पूछिए, तब मैं आपको बताऊंगा कि इस कुरान पर मेरा अकीदा है, ये वही कुरान है, ये वही कुरान है जो तुमने और तुम्हारे वालों ने लिखा, लेकिन इसको टेस्ट करके चौथे नंबर पर अली ने आपको दिया है, अगर इसमें कोई गुंजाइश गलत की होती तो अली इसको कभी ना मानते। आपने इसको मजबूरन चौथे को माना है, हमने खुशी से चौथे को माना है, ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, पर चौथे के तो चार तो हो गए ना भाई, एक अली के पास था, एक रसूलुल्लाह के जमाने का था, एक किताब लिखा गया, चार तो हो गए, ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। बोले नहीं नहीं आप कुरान में अकीदा ही नहीं है, बहुत सारी बेतन तो रिवायत है लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर बोले तुम तो कुरान से नहीं को पढ़ा रहे थे, लेकिन आप पढ़ाते पढ़ाते कुछ भी नहीं है, कुरान में जो कहा वही कह रहे हैं। अल्लामा सुयूती साहब ने कहा है कि ये शान में नाज़िल हुआ है, पढ़ाइए 25% जो बचा है उससे हम नमाज ले, अखलाकियात ले, इबादात ले, अकाइद ले, क्या ले, सलामत रखे मेरी माँ हमारी मजबूरी है, हम कुरान पढ़ते हैं तब सवाब मिलता है, नमाज पढ़ते तब सवाब मिलता है, रोजा रखते तब सवाब मिलता है, हम खाली कुरान कुरान करते तो सवाब नहीं मिलता, खाली कुरान कुरान करते तो सवाब नहीं मिलता, नमाज नमाज करते तो सवाब नहीं मिलता, हज हज करते तो सवाब नहीं मिलता, इन सब
मुझे ला करके दी किसी जमाने में, वो अलीगढ़ गए हम यूनिवर्सिटी में, वहां से लेकर के आए थे फजाइल अली, वो ला करके उन्होंने दी का बेटा अब तुम जाकर के इसको पढ़ लेना और पढ़ करके फिर तुम अली को क्या समझते हो समझ करके फिर मेरे पास वापस आना। तब कब आऊ आप बोले तो मैं आज ही रुक जाता हूँ, पुराने दोस्तों बोलते हैं ना उनसे मुख्य पास रुक रहूंगा, आप भी रुको तो नहीं तुम घर जाओ, यहाँ रहोगे तो हमें खतरा है। खतरा क्या है कि हमें सबसे बड़ा खतरा आप लोगों से यही है, हम मानते हैं आप मुर्द चुने, हम मानते हैं आपने कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, आपने कोई बुराई नहीं, लेकिन सबसे बड़ी अगर बुराई कोई है वो ये है कि जो कोई आपके करीब आ जाता है वो आपके जैसा हो जाता है। जो कोई आपके करीब आ जाता है वो आपके जैसा होता है। हुजूर ये चुंबक आपने क्यों हासिल ना की, ये चुंबक आपने क्यों हासिल ना की, कहा कि हमारी मजबूरी है, उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन मेरा दिल इस बात को कहता है कि उन्होंने यही कहा होगा कि हमारी मजबूरी यह है कि हमने कुरान को सिर्फ पढ़ा है समझा नहीं है। अगर कुरान को समझ जाते तो फिर वही कहते जो सरकार गरीब नवाज ने कहा था कि अगर कुरान को समझना चाहते हो तो अलहम्द को समझ जाइए, अगर अलहम्द को समझना चाहते हो तो बिस्मिल्लाह को समझ जाइए, अगर बिस्मिल्लाह को समझना चाहते हो तो बाप समझ जाइए, अगर बिस्मिल्लाह के बाप को समझना चाहते हो तो उसके नीचे लगे वो नुक्ते को समझ जाइए। वो नुक्ता जिसकी समझ में आ गया वो कामयाब हो गया जो ना समझा होता था। उस नुक्ते से पूरी दुनिया चलती है, इतना कीमती है अधिकारी मोहतरम सारी की सारी चीजें। लेकिन अफसोस यही है जो काम कर हमारे उलमा करते गए हैं, जिन्होंने हर मौके पर उनको सबूत दिए हैं, हर गुफ्तगू का जवाब उनकी कुतुब से दिया है, कुरान से दिया है, आयात से दिया है, आज हम उससे माफ करना, आज हम उससे दूर होते जा रहे हैं। हमने अपने आप को सिर्फ ये हालांकि राजनीतिक गुफ्तगू है लेकिन कभी इसको आप सोचिए, आज आगे से सस्ता डाटा हुआ हुआ है। क्यों क्यों इतना सस्ता है, गौर कीजिए आप। इसलिए कि किसी तरीके से जो बेकार लोग हैं उनको सुला दिया जाए। अब देखिए मेरे ईमान वाले का कॉल पड़ा था, उन्होंने ये कॉल रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम मेरे को मेरे इसको आता नहीं है, लेकिन अभी देख रहा हूं प्रैक्टिकल। तो उन्होंने कहा कि पैगंबर की पेशन गोइयों में एक पेशन गोई ये थी कि एक जमाना आएगा जब मेरे नाम का आरी दुनिया में आएगा, उससे पहले लोगों के पास इस तरह की चीजें आ जाएगी कि वो अपने सामने बैठे हुए को भूल जाएंगे, अपने करीब में बैठे हुए लोगों को भूल जाएंगे जो उनसे हजारों किलोमीटर दूर है उनसे जुड़े हुए होंगे। आज ये तो रहा है, मजलिस चालू है, हमारा नेट चालू है और आज एक नई प्रतिमा तैयार हो रही है। हाँ हमारे दोस्त की बाहर है, वो कह रहे मुझे मजलिस सुननी है, कौन आए साबरी साहब, मैं भी सुनना चाहता हूँ। वो कतर में है, दोहा में, लंदन में, कहीं पर भी है। आज उसने मोबाइल निकाला, उसको हम डायरेक्ट इधर से फेसबुक पे चला करके उसको दिखा रहे हैं। अरे भाई इस मर्शद पर बैठ कर तू अपनी फिक्र कर, तेरी अपनी फिक्र तुझको मिल जाएगी तो खुदा की कसम फिर तुझे साबरी की मजलिस सुनाने की जरूरत नहीं है, फिर तेरी जुबान के अंदर वो तासीर होगी, खतर को बैठकर अगर तू कहेगा तो तकबीर तक पहुंचेगा, मुकम्मल हो जाएगा। हम इसको समझ जाए ये है क्या, ये कितना पावरफुल है। आज लोगों के जो पेट में दर्द होता है ना वो इस काले लिबास से क्यों होता है, उसको तकलीफ उस लिबास से क्यों होती है, काला तो वो भी पहनते हैं, काला वो भी पहनते हैं और काला को मजबूर मानना पड़ता है, वो अलग बात है कि कहीं जाकर वो काले को चूमते भी है। और ये भी मुकद्दर की बात है, ये भी मुकद्दर की बात है, बड़े बड़े जाते हैं, बड़े बड़े पूरे वाइट होकर के जाते हैं, उस रिवाज पर अमल करते हैं। पैगंबर ने फरमाया जो एक मरतबा मक्के की ज़ियारत करता है वो जब उसकी ज़ियारत कर लेता है, हज पढ़ लेता है तो वैसा हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। बड़ी कहानी अभी बोलते हैं मुफ्ती को बताते हैं, अब हम पाक ऐसे नहीं होते, वहां भी पाक होने की दलील अल्लाह ने रखी है कि यहाँ आओगे एक पत्थर को चूमना पड़ेगा, तीन पत्थरों को मारना पड़ेगा। वाह 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 व
बार बार नहीं होता, तीनों को तो पत्थर मारने का होता है। हम कम से कह रहे हैं भाई एक को चूम लो, हम भी तो यही कह रहे हैं, यहाँ भी चूमते हो वहां जाकर चूमते हैं, कौन हमारा अच्छा है, बहुत अच्छा है, वहां नेकी का सवाब भी ज्यादा है और गुनाह करने का गुनाह भी ज्यादा है। गुनाह बैठे अरे बैठे हमारे ऊपर लीजिए मुझसे, वहां नेकी करने का सवाब भी है लेकिन गुनाह करने जिस तरह नेकी करने का सवाब ज्यादा है, गुनाह करने का भी गुनाह ज्यादा है। तकलीफ ये परेशानी ये है कि हमने इन मजलिसों को अपने तक महदूद रखा है, इनको दूसरों को इसमें नहीं बुलाया, दूसरों को बुलाइए। और पिता ने मोहतरम अगर हमारी मजलिसों से इंतजार हो रहा है, दूसरे नहीं आ रहे हैं, तो हमारे कुछ भाई यहाँ ऐसे भी होंगे जो स्कूल चलाते हैं, अगर कोई स्कूल नहीं चलाता तो शायद वो स्कूल में पढ़ने तो आए होंगे, उन्होंने देखा है जब टीचर जो मेन प्रिंसिपल होता है, मेन टीचर होता है, जब उसके पास टीचर की शिकायत आती है कि ये अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं, स्कूल बंद नहीं किया जाता बल्कि टीचर को बदला जाता है। आज इस मिंबर से जो गलत बताता है इन ईमानदारों को बंद ना करो बल्कि यहाँ पे आने वाले टीचरों को बंद कर दो, जिंदगी आ जाएगी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मस्जिद के अंदर पानी मस्जिद की है कि वो जिसको बुला रहा है उसको देखे परखे। अगर आप उस गाड़ी में बैठ गए जिसका ड्राइवर अच्छा ना हो वो खुद तो मरेगा आपको भी लेके मर जाएगा, उसकी गाड़ी में बैठ के जो अच्छे से गाड़ी चलाना जानता हो, अगर कहीं ब्रेक फेल हो जाए तो उसको क्या करना है वो ये भी जानता हो तो वो तुमको बचा लेगा, जिसके पास खून ही ना हो वो तुमको क्या देगा। सबसे बड़ी तकलीफ तो ये हो गई हमारी मजलिसों के अंदर जान ही तब तक नहीं आती जब तक कि हम दुश्मन को बुरा ना कह दे। अच्छी बात है अल्लाह ने भी कहा है, कुरान भी कहता है, रसूल ने भी कहा है, लेकिन बुरा कहने के लिए बहुत सारे मकान आते हैं, मस्जिद है, घर है, मित्र है, खाने का वक्त है, पीने का वक्त है, उस वक्त तो हमको याद ही नहीं आते, खाना सामने आया तो खाना शुरू कर दिया, पानी आया तो पानी पीना शुरू कर दिया। इमाम फरमाते जब भी पानी पियो तो मेरी प्यास को याद करो, उसका मतलब क्या है, जब इमाम की प्यास याद आएगी तो दुश्मनों का प्यासा रखना भी याद आएगा। उस इमाम की कौन को समझिए, उसको खाली जुड़ों में ना सुनिए। अरे यार मोहतरम आज हम अपनी थिंकिंग को बदले, अपने जहनों को बदले, अपने माइंड को बदले, हम इस माइंड के अंदर महफूज करें कि हम यहाँ जो भी मजलिस हो रही है हम कम से कम उस बेदानी के साथ सुन करके जाए कि वो मजलिस कम से कम हम जाकर अपनी कॉपी पर लिख ले। ये हाल होता है मजलिसों का, बाहर निकले मौलाना का नाम भी याद नहीं रहता मजलिस को मौजूद की बात। मेरे इमाम ऐसी मजलिस नहीं चाहते, शहजादी को ऐसी मजलिसों की जरूरत नहीं है, ऐसे तो बहुत याद करने वाले थे बहुत। आप जिस पर लानत भेजते हैं मैं भी लानत भेजता हूँ, लानत भेजते हैं अब्दुल रहमान इब्ने मजीद मलऊन, आप पढ़िए उसकी तारीख पढ़िए, मौलाना कितना बड़ा शैतान था, कितना बड़ा शैतान था। कर्बला में जो इमाम के यहाँ आए थे ना इमाम से जंग करने के लिए, उनमें कुछ ऐसे भी थे जो सिफीन में और जनरल में मौला के साथ थे, तारीख तो पढ़िए, उनको क्या हो गया था, कौन सा सांप आकर उनको डंक मार गया था, जो उनके ऊपर सांप का नशा चढ़ गया था, कौन सा नशा उनको हो गया था। जाकर मोहतरम अगर मारफत अहले बैत नहीं है, सिर्फ जुबानी हमने इमाम को याद किया है, तो जिस तरह का कुछ लोग वहां खरीदे जा चुके थे, बिक चुके थे, कहीं ऐसा ना हो कि अगर मारफत नहीं है तो हम बिना बिक जाए। हम इत्तेहाद करें जरूरी है, बेहतर है, लेकिन आईन इत्तेहाद ना करें, अकाली में इत्तेहाद ना करें। आज हम अपनी मिंबरों से, अपनी मजलिसों से हम ये चाहते हैं कि नए चेहरा हमारे सामने आए, नया मॉडल हमारे सामने आए, कोई नया ट्रेंड लेकर के हमारे सामने आए। क्या नया नया क्या नया सुनोगे अधिकारी मोहतरम। आज हम बड़े बड़े अल्फाज देते हैं, शेर बंगाल, रूह इंकलाब, अरे वो तुमको कौन सा इंकलाब दे सकता है जो खुद अपने आप पर अमल रख सकता हो, तो कौन सा शेर हो सकता है, किस बंगला को पढ़ सकता है जो खुद अपनी सराहना कर सकता हो। हमारी इतनी कमजोरी हो चुकी है अपने आलिमों को दरकिनार करके, अपने आलिमों को दरकिनार करके हम उन भेड़ियों को पकड़ पकड़ करके जाते हैं कि वो हमारे दरमियान आते हैं तो हमारे मौला की बातें करते हैं, उधर जाते तो हमको गाली देते हैं। हमारे आलिम नहीं है, उनसे बेहतर पढ़ने
इत्तेहाद मुमकिन नहीं हो, इत्तेहाद कीजिए, लेकिन इत्तेहाद वहां तक कीजिए जहां तक चल सकता हो, हमारे अकीदे का सौदा ना होता हो। ये कहां का इत्तेहाद है, ये कहां का इत्तेहाद है कि साफ फला रहे हैं बेदारी मत करना, ये कहां का इत्तेहाद है कि साफ फला साहब उनके सामने जरा उठकर भी गुफ्तगू करना। अरे इनको ये ना कहो कि उठकर गुफ्तगू करो, बल्कि इनको ये कहो कि फला रहे हैं, किताबों का मुताला करो, उनको जवाब देना। ये है दलील, आइए गुफ्तगू कीजिए। खुदा की कसम अगर तुम्हारे पास जवाब ना हुआ तो जिसका ये आलम है उसका वास्ता ऐसी आकर दलील को हमारी जुबान पर पैदा कर देगा कि सामने वाला खामोश हो जाए। इसको जगाइए, ये सो चुका है, इसको जगाइए। जब मादर करो, खून बहे, आंसू बहे, उस वक्त शहजादी से दुआ करना, शहजादी इन आंसुओं का रास्ता हमको हकीकत में खून बहाने वाला बना, रस्मों का बना, हकीकत में खून बहाने वाला। अरे दादा मोहतरम, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, बड़ा दुख हुआ जो आज के वक्त 2015 में मेरे साथ एक मामला हुआ, मेरे साथ एक मामला हुआ। कई सौ आदमी मेरे पीछे नमाज पढ़ने वाले, माफ करना, कई सौ आदमी नमाज पढ़ने वाले, पूरे महीने रमजान में नमाज पढ़ी, जुमे पढ़ी, ईद पढ़ा। इमाम बिशारत पर एक हादसा पेश हुआ, एक हादसा हुआ, उसमें मुझे ले गए, कोई अपना मोमिन नहीं आया, कोई मोमिन नहीं आया। तकलीफ, ये कौन सी सुन्नत अदा हुई? कूफे वाली ना, कूफे वाली ना, इमाम को लेकर दिया था ना, सबने लिखा था लेटर में खत्मे, हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपके हाथ पर बैठ करेंगे। आज की जनरेशन के अंदर कहां से आ रही बात, हमें तकलीफ की जरूरत नहीं है, हमें तकलीफ की जरूरत नहीं है। क्यों तकलीफ की जरूरत नहीं है? हमारे इमाम हाजिर है, हम तो इमाम की तकलीफ करते हैं। अब आप बेवकूफ, इमाम की तकलीफ नहीं होती, इमाम के हाथ में बैठ होती है। कहां से हमें इतनी तकलीफ और बेहतरी हमारे, तो इमाम की तकलीफ कैसे कर लेगा? ये कहां से सौदेबाजी आ रही है, ये कहां से नौटंकी बना रहा है, ये बाहर से नहीं आ रहा है, ये बाहर से नहीं आ रहा है। इन्हीं के बराबर वो बंदरों की तरह कूदते और नाचते हैं ना, जिनको ना अपने कपड़ों की होश रहती है, ना टोपी की होश रहती है। अरे ऐसा दाही बेहोश करने नहीं होते नहीं आई थी, यहां से होश मिलती है। एक बात यार, अपनी गुफ्तगु खत्म। मौलाना मोहम्मद अली साहब गुलाम अली, कोई मोहम्मद अली के गुलाम अली के नाम से पुकारता है, सहारनपुर के अंदर आज भी जिंदा है, तकरीबन 75 साल की उम्र हो चुकी है, बीमार थे। एक साहब हमारे बीमार हुए, वो डॉक्टर थे, उनके पास गए तो दुकान को बंद कर रहे थे, बोले साहब मुझे दवा दे दीजिए, कल आना साहब। नहीं साहब, मैं कल नहीं आ सकता, मेरे यहाँ से माता हूँ, मैं कल नहीं आ सकता हूँ, और मेरे यहाँ भी शब्देदारी भी है, मुझे जागने दवा तुम क्या शब्देदारी क्या करोगे, तुम शब्देदारी क्या मिलेगा, शब्देदारी से मातम करते हो, सीना फूटते हो, उससे क्या मिलता है? अरे साहब, इससे आखिर में जो मिलेगा उसका तो हम अंदाजा नहीं कर सकते, वो तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन आज इसकी दलील ये है कि हाथ हमारा होता है, सीना हमारा होता है, हाथ को अपने अपने सीने पे मारते हैं तब हमारा होता है। इससे बड़ी, इससे बड़ा आज और क्या है? साहब चलो ठीक है, दवाई ले लो, कहाँ जाओगे? कहा मजलिस हो रही है, मामले में कचरों में भी चलता हूँ मजलिस में, तो हमारे को बहुत बड़ा कहते हो, हम भी चलते हैं मजलिस में सुनेंगे। अब माशाल्लाह पहचान होती है ना हमारे वालों की, हमारे तो पहचान नहीं होती कोई, अगर आप मुझे ना पहचानते हो, कभी टोपी छोपी उतार के आपके सही पाओ तो आप तो पहचान नहीं पाओगे, भाई साहब है, साहब या कौन है, क्योंकि आप सर्टिफिकेट होता है ना, वो सर्टिफिकेट के साथ माशाल्लाह लाइन से ही मारे माशाल्लाह आ रहे हैं, दुकान बंद करके चलाए जाएगी, वो भी भाई के साथ है, मिसर भाई के साथ है, आ रहे हैं। अब जो हमारे आलिम साहब जो मजलिस पढ़ रहे थे, हम तो बादर लोग हैं ना, हमारे आदर सिखाया जाता है, तो बैठने लगे, उनसे कहा नहीं नहीं हजरत, आप खाली तशरीफ लाइए, आप सल्ला भेजा खाली तशरीफ लाइए, तो वो आए आगे उनको बिठाया। सिद्दीक हुसैन कर रहे हैं, अदब ना भूले, उनके जुमले सिद्दीक हुसैन कर रहे हैं, अदब ना भूले। अरे वो सिद्दीक हुसैन ही ना हो जिसमें अदब ना हो, ये सिद्दीक हुसैन ही तो है जो हमको अदब सिखाता है। बोले साहब माशाल्लाह करते हुए आगे आकर बैठ गए, आगे बैठे पूरी मजलिस सुनी, आए थे क्या करने,
क्या भाई आज मैं आप लोगों को बचाने जा रहा हूँ, और आइए तो सही आप लोगों को क्या बचाओगे, खुद को ना बचा सकोगे। आइए तो एक मरतबा ये हकीकत मिलती है। अब हजरत ने खालिद साहब ने जाकिर साहब ने फिदक पढ़ रहे थे, फिदक आज कहा जाता है ना, फिदक ना पढ़िए, फिदक ना बयान कीजिए, झगड़े हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। क्यों झगड़े होंगे, झगड़े होंगे क्यों, आप कमजोर है इसलिए झगड़ा होता है। सामने वाला हावी कम होता है जब वो देख लेता है कमजोर है, तभी तो ना आप एक तमाचा उसको मार सकते हो जिसको आप कमजोर समझते हो। लेकिन अगर सोचते हो मैं दुबला सा आदमी हूँ और मेरे सामने मौलाना सत्तकड़ा आदमी कोई बैठा है उसको नहीं मारोगे, क्योंकि ब्लड भी मुझे मारेगा। इतनी ताकतवर बन जाओगे जब फिदक पढ़ो तो सामने वालों को हमारी जुबान से हैबत लगे कि जो ये पढ़ रहे हैं गलत है, इसे नहीं पढ़ रहे हैं। कब पढ़ोगे, कब कब आएगा, तब ना जब हम मजलिसों के अलावा किताबों का मुताला भी करेंगे। मजलिसों में सुनो और घर जाकर किताबों में टैली करो। कोई मिंबर पर बैठकर झूठ तो नहीं बोल रहा था, कोई मिंबर पर आकर के अपनी वाहवाही तो नहीं करा रहा था। कब होगा ये, तब जब हम अपने घरों में किताबों का इंतजाम करेंगे, किताबों का मुताला करेंगे। ऐसे हम नहीं पहचान सकते। अब बयान बोला रहा है आने के बाद उन्होंने फिदक गुफ्तगू चले दी, फिदक की मौलाना ने जैसे फिदक सुना उनके सर में दर्द हो गया, सर पकड़ के बैठ गए। साहब ये तो मैंने पढ़ा है और सुना है और पढ़ाया है अपने स्टूडेंट को, ये फिदक एक बार था और उलमा अंबिया के उनकी औलाद वारिस नहीं होती बल्कि उनका मान पूरा का पूरा सदका होता है, ये तो मैंने पढ़ा था, ये रिवाज तो है। लेकिन ये जो और आपने जुमले पढ़े हैं ये मैंने नहीं सुना, मौलाना मेरी तबीयत खराब हो चुकी है, मुझे बताइए, मुझे जल्दी से डोज दीजिए। अब हम कब से कह रहे हैं अगर हकीकी डोज लेना चाहते हो तो वो अली और औलाद अली के पास मिलती है, दूसरों के यहाँ बीमारी बढ़ती है, हमारे यहाँ शिफा मिलती है। मौलाना परेशान रात चले गए वहां से मजलिस से, घर जाने के बाद कर बैठे, बेटी ने कहा बाबा खाना, तब बेटी भूख उड़ गई सोए नहीं। मिसेज पूछती आज क्या बात है, रोटे क्यों ले रहे हो, कहा आज ऐसा लगता है कि भाते की नींद आने वाली है, क्या कर रहे हो, सुबह हुई सुबह का इंतजार नहीं कर, सुबह हुई नमाज पढ़ी घंटी बजी क्लास में जाने का पहले घंटी थी, क्लास में नहीं गए बल्कि जो मदरसे के शेख थे उनके पास गए और जाने की बात क्या, शेख साहब एक सवाल है, कहा हमें आप पे नाज है, आप सवाल लेके आए हैं, हाँ यही तो कारण है दी का, जिस पे आपको नाज होता है वो यही वाला बन जाता है, यही तो कारण है। अरे तुम्हारा तुम तो मुझे नाज है, तो क्या सवाल ले गए, क्या साहब फिदक के बारे में कुछ पूछने को बनी, क्या फिदक कैसा हुआ, दरबार में शहजादी गई थी, अब कहाँ गए थे भाई, कहाँ छोड़ के आए हो, छोड़ो इन बातों को, हुजूर मेरी जिंदगी का सवाल है, मुझे बताओ शहजादी गई थी, शहजादी कौन है, वो खरीदार है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ये कौन है और वो कौन है, मेरा सवाल कितना सा है, शहजादी गई थी कि नहीं गई थी, क्या शहजादी गई थी कि फिर उनको बाप मिला कि नहीं मिला, तो नहीं मिला, मैंने पूछा एक जवाब दो, नहीं मिला, तो क्या शहजादी बात मानने गई थी या ऐसे गई थी। अब देखिए जब पैदाई होती है ना, जब अता होती है ना इनकी, ऐसी अता होती है, ऐसी अता जिसने 13-11 साल मदरसे में मुसलसल मुस्लिम और बुखारी पढ़ाई हो वो सवाल कर रहा है, ये बताइए क्या शहजादी लेने गई थी, हर मांगा कि नहीं मांगा, कि हाँ जाकर बाप को मांगा था, कि फिर ये बता दीजिए रसूल ने ये कहा है कि फातिमा तू बिजात मिन्नी फकत अदा मनादाई फकत अदा अल्लाह, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, रसूल ने कहा है ना, कि हाँ कहा है, कि फिर जब जिगर का टुकड़ा है तो रसूल कभी झूठ नहीं बोल सकते, कभी नहीं झूठ बोल सकते, अगर ये सोच भी लिया तो कुफर में दाखिल हो जाओगे, यही तो मैं कह रहा हूँ, जब रसूल झूठ नहीं बोल सकते तो रसूल का जिगर कैसे झूठ बोल सकता है। आपका मुस्लिम में चला उतर किधर जा रहे हो, कि जिधर भूल गए थे कुछ ना हुआ, कुछ भी ना हुआ, मुफ्ती साहब ने कहा आ जाओ वापस, इसी में खैर है,
कहा ये दुनिया की खैर मुझे जरूरत नहीं है, हमें क्या अमल में फारा दरबत खैर नहीं रहा, हमें क्या अमल में फारा दरबत शर नहीं रहा, मैं वो खैर करूंगा जिस जर्रे के बराबर भी अगर खैर है तो परवरदिगार उस खैर के सदके में सारे गुनाहों को माफ कर देता है। कहा वो कौन सी खैर है, वो जर्रे के बराबर कौन सी खैर है? कहा कि अल्लामा सुयूती ने लिखा है तो मंसूर के अंदर कि जिसके दिल के अंदर एक जर्रे के बराबर भी अली की विलायत मौजूद है उसके गुनाह माफ कर दिए। सुभान अल्लाह, हम मुझे वो खैर मिल चुकी है। कहा कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाइए। कहा जो चाहे कुर्बानी मांगो, अब ताल्लुक उनसे जुड़ चुका है जो जिंदगी में कुर्बानी से पीछे ना आते। अब तक ताल्लुक उनसे था जिन्होंने जिंदगी में एक बार की कुर्बानी ना दी। अब तक उनसे था, क्या कह रहे हो? कुछ दिन गुजरे, दो बेटे ने दोनों को शहीद कर दिया है। मौलाना कहते कुछ नहीं हुआ, जिसने दिए थे उसने ले लिए, जिसने दिए थे उसने ले लिए। बहुत सताया गया, बहुत सताया गया, लोखंड का कारोबार था, आग लगा दी गई, बहुत सताया, पीछे नहीं हटे। आखिर बात तो बात है, मार तो मार है। मजलिस में गए, आलिम साहब ने जिक्र पढ़ा मजलिस के अंदर। एक राहिब था, उसके यहाँ बेटे नहीं थे। एक राहिब था, उसके यहाँ बेटे नहीं थे। अब वो इमाम के पास अतुपुरा आके जाते हैं। अब उसने इमाम से कहा, अरे इमाम तो छोटे से है, अभी बचपन आए, इमाम ने बेटे दे दिए। मात लगती हुई उठी, कहा हुसैन वो बचपना था, राहिब को औलाद दी, आज तो आप 55 साल की बात दुनिया से गए हो, इस खाली झोली को भर दो। खुदा की कसम, मां की ममता को मेरे इमाम ने ऐसा रखा कि उसकी झोली को भर दिया। आज उसके बेटे हैं, आज बेहतरीन पोस्टों पर है, आज बेहतरीन कामों पर है, बेहतरीन अल्लाह ने उनको इज्जत दी, बेहतरीन मेरे मौला ने इज्जत दी। हाय हुसैन, खाली गोलियों को भरते हो लेकिन इस कर्बला में रबाब की गोदी उजड़ गई, उम्मे लैला उम्मे फरदा की गोदी उजड़ गई। हम अपनी गोदी उजाड़ करके तुम्हारी गोदियों को भरते हैं। हमारे करोड़ों सलाम उसकी बात पर। आप करबला के बहुत करीब है, मुहर्रम गुजर चुका है। मैं मसाइल का एक जुमला पढ़ूंगा, बस उसके बाद अपनी मजलिस को तमाम करूंगा। मैंने इमाम सिद्दीक सज्जाद की हिस्ट्री को पढ़ा, अभी चंद दिन पहले मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था। एक हमारे दूसरे ब्रादर ने हिस्ट्री में इमाम की लिखा कि जब इमाम से पूछा गया, इमाम आपको करबला में या उस सफर में सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुई? इमाम आपको सबसे ज्यादा आंसू कब बहाने पड़े? सभी तो सज्जाद कहते हैं मेरे ऊपर पूरा सफर मेरा आंसू में गुजरा है, फिर सवार करने वाला साहिब सवार करता है, मौला कब आंसू सबसे ज्यादा बहाए? मौला जब अली अस्तर शहीद हुए रोए थे, सकीना को तबाजे लगे, सर का पूर सारा बसाई सारी शहादत पढ़ी। इमाम ने कहा मेरे हाथों में हथकड़ी थी, पांव में बेड़ी थी, गले में तोप था। किस तरह का तोप था सुना होगा मजलिसों में? तसव्वुर से बसाए, तसव्वुर से सुनो। तो चांद की तरह बीच से छिड़ा हुआ था, ऊपर भी तोप था, नीचे भी तोप था। मेरे इमाम घर नीचे करते थे, पीछे से आकर के खड़ा चुप था, ऊपर करते थे तो नीचे इमाम के एक मुहिम एक नासिर हबीब इब्न मजाहिर का एक जवान बेटा सफर के दरमियान काफले में आया, काफले को छेदता हुआ, नेजे को देखता हुआ आगे बढ़ा, इमाम के करीब आकर के कहता है, इमाम मेरे बाबा का सर कहाँ है? मेरे बाबा का सर कहाँ है?
तो मेरे बाबा के आंसू चले काश मेरे सच्चार ये सफर तय करके करबला का पैगाम मेरे चाहने वालों तक लेकर ले जाना है, उनको मेरा पैगाम देना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ने तो कहा है तो इस्लामी उसे आलम الذين سلموا ايتهم تربيه बारगाह के वास्ते मोहम्मद और मोहम्मद का बारगाह के अज़मत का वास्ता बारगाह के मसाई और फलाई का वास्ता हमारी मजलिसों को मसाई को क्रिया को की बारगाह में कबूल फरमाए। बारगाह जहां पर भी मोमिन सदाई कर रहे हैं उनकी जान की इबादत की बात की इज्जत के आबरू की हिफाजत फरमा दे। बारगाह अंजुम तमाम हमारे मोमिनों को जो अंजुमन लेकर के जाते हैं अंजुमन चलाते हैं मजलिस करते हैं नौहा क्रिया करते हैं बारिला हम सभी को तमाम अंजुमनों को इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ तौर ताकत का बनाए अता फरमा। बारिला जो मोहम्मद आले मोहम्मद का वास्ता बिलखुसूस हमारे मर्जाए किराम की हमारे उलमा ए किराम की हमारी इमाम बागाओं की हमारे रोजों की हमारे हौजों की हिफाजत फरमा। बारिला इस महफिल में जितने भी हमारे जवान बैठे हैं जिनके माँ बाप हयात है उनके माँ बाप को अकुलानी हयात का फरमा। जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं बारे इलाज पर शहदा का वास्ता उनको जवान मासूमी में जगह हयात फरमा। बारे इलाज जहाँ पर मुमीन आबाद है सदारी कर रहे हैं उनकी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। बारे इलाज जो हमको बात की तलाश में है बारे इलाज को हक पर चलने की तौफीक अता फरमा। बारे इलाज आखिर का आखिर दुआ है कि अपने आखिरी हुज्जत का ज़ुहूर फरमा और हम सभी को उनके हाल और अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वाले अच्छे वाले।